सकती है। बात अब यहां पर सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि मुनाफा वसूली के बाद यहां पर भी निचले स्तरों पर छुटपुट बाइंग यहां पर लौटी है। अनुज, कैसे देखेंगे आप पहले सोने के प्राइसेस को, क्योंकि 1880 के ऊपर अब फिर से कारोबार बनता हुआ दिखा है। देखिए मनीषा जी, डेफिनेटली एक बाउंस बैक हमने देखा है। हालांकि अगर हम देखें तो गिरावट जो आई थी उसके बाद से थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है, 1870-1890 के बीच में कंटिन्यूसली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे जो सेंटीमेंट है वो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप एमसीएक्स में देखेंगे तो प्राइस 57,000 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं, 57,275 के आसपास। तो मेरा व्यू है कि यहाँ पर अभी भी जो अंडरटोन है वो गोल्ड की पॉजिटिव है, कोई ऐसा मेजर डाउनफॉल नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। प्राइस नीचे अगर डिप लेते हैं करीबन 57,000 के आसपास और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1,875 के आसपास, तो वहाँ पे अगेन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 56,720 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 57,500 से लेकर 57,700 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में 1,890 से लेकर $1,895 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो डॉलर में जो वीकनेस है या फिर जो हमने फेडरल बैंक का इंस्टांस देखा था एक लेस हॉकेश, वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता हुआ दिखाई देगा। और रिसेंटली हमने देखा है कि एक डब्ल्यू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो लास्ट ईयर है वो गोल्ड की काफी सारी खरीदारी सेंट्रल बैंक्स ने करी है, तो कहीं ना कहीं उससे भी एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो अंडरटोन है गोल्ड का वो भी पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स के स्ट्रेटेजी यहाँ पर गोल्ड में देख सकते हैं।